मेरा इस सैनिटाइज़र को लेके है, क्योंकि ये जो सैनिटाइज़र है ना, ये काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो हम सोचते हैं कि अब ये सैनिटाइज़र हमारे किसी काम का नहीं है और हम इसको फेंक देते हैं। बट अगर हमारी कोई भी मेडिसन लिक्विड वाली या सैनिटाइज़र वगैरह जो हैं, अगर एक्सपायर डेट हो जाते हैं, फिर भी ये हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं और हम इसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस सैनिटाइज़र को मैं किस तरह यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने लिया है एक सॉफ्ट हैंकी, ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो बस इसी हैंकी पर मुझे ये थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल लेना है। तो अभी मैं इसको खोल के इस पर डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे खोल लिया है और बस मैं इसको थोड़ा सा ही इस पर हैंकी पे डालूँगी। ये देखिए बस हमें इतना ही सैनिटाइज़र चाहिए और अब हम चलते हैं कि हम इसे कहाँ यूज़ करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सिंगारदान का शीशा। तो बस इससे हम अपना मिरर साफ़ करेंगे। तो ये देखिए, ये सैनिटाइज़र ले लिया है हमने और इससे हम बस इस तरह से अपना पूरा शीशा बहुत ही अच्छी तरह से कर देंगे साफ़। तो इस तरह से इसमें जितने भी छोटे छोटे से दाग धब्बे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इस तरह से हम अपना पूरा शीशा अच्छी तरह से कर देंगे साफ कोने कोने से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो मतलब शीशे होते हैं ना, इनमें पास से अगर आप देखेंगे तो हल्के हल्के से दाग धब्बे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो देखने में गंदे लगते हैं। तो ये सैनिटाइज़र बहुत ही अच्छी तरह से पूरा शीशा साफ कर देगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हैंकी कितना ये गंदा हो गया है। तो इस तरह से आप सैनिटाइज़र को फेंकने की बजाय अगर अपना शीशा साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, शीशा तो साफ़ हो ही गया है, बट ये जो मतलब ये सनमाइका होती है ना हमारी, जैसे ये वाइट है तो इस पर ये एक दाग सा दिख रहा होगा आपको, तो इससे ये भी साफ़ हो जाता है। जैसे कोई प्लाई हो या सनमाइका लगी हो तो वो भी इससे सैनिटाइज़र से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। अगली टिप फ्रेंड्स मेरी इस तरह के पेन को लेके है। कई बार क्या होता है ना कि हमें जब भी पेन की ज़रूरत होती तो हमें समय पे कहीं भी नहीं मिलता है, हम खुद ही रख के भूल जाते हैं या ढूंढते हैं लिखने के लिए तो हमें मिलता नहीं है। तो ये पेन हमें हमेशा सामने ही रखा मिले। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सी ईजी सी टिप से फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें कोई भी इस तरह का एक रबड़ बैंड ले लेना है जो थोड़ा ढीला हो चुका है और बेकार हो गया है, तो ये इस पेन को रखने के काम आएगा। और साथ में ही लेनी है हमको एक सेफ्टी पिन। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे जो पेन है इसमें हैंग कर दिए हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसको हम कहीं भी सामने टांग देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इन सभी पेनों को मैंने इस तरह से यहाँ पर दिया है टांग वॉल में। तो आप देख सकते हैं कि सारे पेन हमें सामने ही ईजिली मिल जाएंगे, जब भी हमें पेन की ज़रूरत होगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे। चाहे तो आप इसकी जगह चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूड़ी कांच की नहीं होनी चाहिए, मेटल की चूड़ी हो तो आप इस तरह से वॉल में मेटल की चूड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वाला हैक भी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अगली हैक की तरफ। आज फ्रेंड्स मैं टिप शेयर करने जा रही हूँ लहसुन छीलने, क्योंकि लहसुन छीलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाने चलते हैं तो लहसुन प्याज ना डालें तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता है। मगर प्याज तो फिर भी कट जाती है, लेकिन लहसुन छीलना बहुत ही सरदर्दी काम होता है और इसमें काफ़ी समय हमारा वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं यही टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अब लहसुन छीलना बच्चों का काम है, और मिनटों में आप देखिए एक बोतल से ही हम ढेरों लहसुन छील सकते हैं। तो लहसुन हम छीलेंगे इस प्लास्टिक की बोतल से, बोतल चाहे बड़ी हो या छोटी हो, किसी भी बोतल से हम लहसुन मिनटों में छील सकते हैं। तो वो कैसे छील सकते हैं, तो बस अभी आप देखते जाइए फ्रेंड्स, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ आने वाला है। और जब तक हम कोई भी टिप को अपनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हमें वो फेक ही लगेगी, क्योंकि अगर कोई भी टिप्स हम देखते हैं फ्रेंड्स तो हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। जब हम उस टिप्स को खुद करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कितना असरदार है और कितनी टिप ये काम की है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लहसुन छील के अभी इस बोतल से दिखाती हूँ कैसे मिनटों में हमारा सारा लहसुन छीला जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने
लहसुन के सारे जवे अलग कर लिए हैं और अभी इन्हें छीलना बाकी है। तो हम एक एक लहसुन के जवे इस तरह से तोड़ देंगे। बस मैंने तोड़े हैं, आप देख सकते हैं कि लहसुन छिला बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए लहसुन अभी छिला नहीं है, इसमें छिलका लगा हुआ है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। तो बस इस तरह से हमें जवे अलग कर देने हैं और हमको लेनी है ये बोतल, और इस बोतल में हम लहसुन डालते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसका बोतल का मुँह खोल दिया है और इसमें जितना हमको लहसुन चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें लहसुन सारे डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमें इसमें लहसुन डाल देना है। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने सारा लहसुन बोतलें भर दिया जितनी मुझे ज़रूरत थी। और अब हम लेंगे छोला। ये देखिए फ्रेंड जी हाँ, इस छोले से ही हमारे लहसुन छिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि छोला लहसुन कैसे छील सकता है, तो अभी आप मैं आपको साथ में ही दिखाती जाऊंगी कि छोला किस तरह से हमारा लहसुन छीलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें थोड़े से ले लेने हैं छोले और इसको हम इस बोतल में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं छोले बोतल में डाल दूंगी। आप अंदाजे से एक दो चम्मच छोला इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने सारे छोले इसमें डाल दिए हैं और अब मैंने इसका लगा दिया है ढक्कन। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ढक्कन लगा दिया है और अब मैं इसको बस तो आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी ये बहुत ही आसानी से कर लेंगे छोल के लिए। तो बस हमको इसको एक दो मिनट तक इस तरह से कर देना है। इससे क्या होगा ना, लहसुन बहुत ही आसानी से छिल जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए लहसुन हमारा थोड़ा थोड़ा छिलने लगा है। ये देखिए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लहसुन हमारा छिलने लगा है। ये देखिए आपको छिलका अलग दिख रहा होगा। बस ये है कि एक दो मिनट तक हमको इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। तो ये काम हम बच्चों को भी दे सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो खेल खेलें बस इसमें ऐसे ही इसको हिलाते रहेंगे और लहसुन हमारा छिलकों से अलग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि लहसुन हमारा कितना छिला है और कितना नहीं छिला है। तो इसको मैं पलट लेती हूँ लहसुन को टलिया में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लहसुन हमारा कितने बढ़िया से छिल गया है। तो अभी मैं आपको प्लेट में रख के दिखाऊंगी। तो इस तरह से बहुत ही आसान से देखिए छिल गया है। तो मैं बाकी के भी देख लेती हूँ। तो कुछ एक आधी जो लहसुन रह जाता है फ्रेंड्स वो नहीं छिल पाता है, लेकिन अधिकतर तो लहसुन छिल ही जाते हैं। कोई एक आध तो लहसुन छूट ही जाता है, जैसे कि ये देखिए ये थोड़ा सा नहीं छिल पाया है। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी हद तक हमारा लहसुन छिल गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से लहसुन को छोले ने छिल दिया है। तो एक बार आप ये टिप ज़रूर आजमाइएगा फ्रेंड्स। आप बोतल में भर के बच्चों को दे दीजिएगा इस तरह की कोई भी, या तो बड़ी बोतल ले लीजिए। और छोले अगर आपको कम लग रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा छोले डाल लीजिए और लहसुन की तीन चार आड़ी आप उसमें ऐसी जमे तोड़ करके इस तरह से डाल दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि लहसुन छिल रहा है कि नहीं छिल रहा है। तो आप खुद ये टिप नहीं आजमाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स मेरी इस तरह की मिर्च को लेके है। कई बार क्या होता है ना कि जब हम मिर्च लाते हैं और ऐसी रख देते हैं बिना डंडी तोड़े ही, और फिर दोबारा जो मिर्च लाते हैं उसको भी हम एक ही साथ रख देते हैं, तो हम
हमको पता नहीं चलता है कि हमें कौन सी मिर्च पहले यूज़ करनी है और कौन सी बाद में यूज़ करनी है, क्योंकि एक साथ ऐसे मिर्चें रखी हुई क्या होती हैं फ्रेंड्स, वो जल्दी से ख़राब होने लगती हैं। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अगर इस तरह की मिर्च है टूटी हुई तो उसको हमें पहले यूज़ कर लेना चाहिए, वरना अगर जैसे ये आगे से टूटी हुई है ऐसी मिर्चें हम रख देंगे तो वो बहुत ही तेज़ी से सड़ने लग जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें या तो इस मिर्च को जो हम लाते हैं खरीद के टूटी ही मिर्च को पहले यूज़ कर ले, नहीं तो फिर इसको एकदम से हमें हटा देना चाहिए। तो इस तरह से ये टूटी हुई मिर्च है या जैसे कि डंडी टूटी हुई है इसकी, तो ये मिर्चें हमें पहले यूज़ कर लेनी चाहिए और जो डंडी वाली मिर्चें होती हैं उनको हमें अलग रख देना चाहिए, क्योंकि वो मिर्चें ठीक रहती हैं और बाद में हम उनकी डंडियाँ तोड़ के कायदे से रख सकते हैं। लेकिन जिनकी ये डंडी टूट जाती है अपने आप ही, उनको हमें पहले यूज़ कर लेना चाहिए, या फिर जो आगे से इस तरह की मिर्चें टूटी हुई आ जाती हैं तो ये हमें पहले यूज़ कर लेनी चाहिए। टिप्स है छोटी सी मगर बहुत काम की है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज के मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपने अगले किसी अच्छे से टिप्स के साथ अगली वीडियो में। जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।